What's up guys, this is Guru Mann. आज मेरी वीडियो दूध के ऊपर है, जो कि पानी के बाद इंडिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पीने वाली चीज है। दारू शायद तीसरे पर होगी, लेकिन दूध का नंबर दो पर है। जी हाँ, दूध के ऊपर मैंने काफी वीडियो बनाई हुई है। मैंने अलग अलग टॉपिक से, जिस तरह से नॉन फैट मिल्क और फुल फैट मिल्क में क्या डिफरेंस है, काओ मिल्क और बफलो मिल्क के अंदर क्या डिफरेंस है, दूध को गेनिंग के दौरान यूज कर सकते हैं कि आपकी वो डेफिनेशन में या आपके गेनिंग के दौरान आपके लिए हेल्दी है नहीं, ये सारी मैंने वीडियोस कवर की हुई है। आज जो वीडियो है वो है रॉ मिल्क एंड पैक्ड मिल्क की बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फर्दर आपको सब कुछ समझ आ चुका है कौन सा हेल्दी है, फुल फैट, नॉन फैट, काओ, बफलो एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन अब बात करेंगे रॉ एंड पैक्ड के बारे में। जी हाँ, जैसा बोला, दूध दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पीने वाली चीज है, मतलब हर घर के अंदर दूध होगा, आपके घर के अंदर और चीज शायद कम हो जाए, लेकिन दूध ऐसा है कि चाहे आपके घर के अंदर किसी भी इंडिया के किसी भी, अगर गरीब के घर से लेकर रिच के घर के अंदर की बात करें, दूध हर के घर के अंदर है, तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। आज हम बात करेंगे पैक और रॉ। रॉ मिल्क कौन सा होता है? रॉ का मतलब क्या हुआ? कच्चा, ठीक है। रॉ मिल्क वो होता है जो अनपैस्चराइज्ड हो, जो पैस्चराइज्ड ना हो, मतलब है कि जब वो दूध चाहे गाय का है, भैंस का है, चाहे वो बकरी का है, राइट, काओ बफलो एंड गोट किसी भी तरह का दूध, जब वो दूध डायरेक्टली उनसे निकाला जाता है वो रॉ दूध है। अब वो दूध दूध वाला उस दूध को डायरेक्ट घरों में देता है, दूसरी ऑप्शन वो दूध वाला डेयरी में देता है, यहां पर दुकान के ऊपर वो डेयरी वाले जो है वो बेचते हैं, कस्टमर दुकान पर जाता है वहां से लाता है। तो ये क्या है? अनपैस्चराइज्ड दूध। अनपैस्चराइज्ड दूध क्या होता है? जिस दूध को बॉयल वगैरह ना किया हो, मेरे को समझे, डायरेक्ट बकरी गाय और भैंस से कस्टमर के पास जा रहा है या दुकान पर जा रहा है, वो रॉ दूध है, ठीक है जी। अब दूसरा है पैक्ड दूध। पैक्ड दूध जिस तरह से इंडिया के अंदर तरह तरह के ब्रांड्स है, चाहे वेयर का है, चाहे अमूल है, चाहे एक्सवाईजी, नेस्ले एटसेट्रा, कोई भी इंडिया के अंदर ब्रांड्स है, ब्रांड्स की बात नहीं हम कर रहे हैं, पैक्ड। तो जो दूध पैक किया हुआ है और दुकानों में मिलता है आपको, डेयरी पर नहीं, दुकानों के ऊपर, सुपर मार्केट के अंदर, राइट, उन दुकानों पर मिलता है, यहां पर दूध रेडी टू ड्रिंक है, वो दूध पैस्चराइज्ड होता है। पैस्चराइज्ड क्या होता है? जिस दूध को, कच्चे दूध को बॉयल करते हैं सर्टन टेम्परेचर के ऊपर, बॉयल करने के बाद उसको दोबारा ठंडा किया जाता है, अब उसके बाद उसको पैक किया जाता है, उसके अंदर वाइटामिन डी वाइटामिन ए भी ऐड किया जाता है एक्स्ट्रा टेक्सचर के लिए, अब उसको पैक करके दुकानों पर भेजा जाता है। अब वो कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी अपना नाम लगाती है ऊपर, लोगो लगाती है, ब्रांडिंग लगाती है और दुकान पर बेचती है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, मेरे पास समझे आप। तो ये पैस्चराइज्ड मिल्क है। तो पैक मिल्क क्या हो गया? जो ऑलरेडी बॉयल हुआ हो, हीट हुआ हो, ठंडा कर उसके अंदर वाइटामिन ए या डी ऐड करती, कुछ कम नहीं करती, मेजोरिटी में लोग कंपनीज ऐड करती है इसका टेक्सचर के लिए, और उसके बाद उसको पैक कर बेचा जाता है। तो इसका मतलब रॉ बेटर हुआ। देखिए, रॉ के अंदर क्या प्रॉब्लम है बैक्टीरिया की? रॉ के अंदर तीन तरह के बैक्टीरिया है, तीन तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सेल्मोनेला, सेल्मोनेला बैक्टीरिया आपका नाम सुना होगा, जो अंडे के अंदर होता है, जो कच्चा अंडा होता है उसके अंदर भी सेम बैक्टीरिया होता है सेल्मोनेला नाम का। ई कॉली इज अनदर बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया बहुत लोगों को सूट नहीं करता, लोग बीमार पड़ते हैं, स्पेशली जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो, स्पेशली बुजुर्ग लोग, हमारे बड़े, उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है, उनके लिए रॉ ठीक नहीं रहेगा। चिल्ड्रन, बच्चों के लिए रॉ ठीक नहीं है, ऑलवेज FDA सजेस्ट करती है कि आप बच्चों को कच्चा दूध ना दें। तीसरा, प्रेग्नेंट वेमेन। सो इन तीन सिचुएशन में खास करके यहां पर आप कच्चे दूध का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। चौथी ऑप्शन है जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है, चाहे वो हमारे जैसे यंग लोग हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक है, हो सकता है आपकी बॉडी उसको अच्छे से ब्रेक ना करे और वो बैक्टीरिया आपको बीमार करे, सिक करे, इलनेस का खतरा। वैसे आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ ट्रेजेडी, आपको हॉस्पिटलाइज होंगे, आप डेथ वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, जस्ट आपको सिक करेगा।
और जिन लोगों को लैक्टोज की प्रॉब्लम है तो रॉ के अंदर से तो लैक्टोज निकाला ही नहीं जाता, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं पचेगा, डाइजेशन में फुली इश्यू होगा जिनको लैक्टोज इनटॉलरेंस की प्रॉब्लम, मतलब दूध नहीं पचता। तो समझ गए आप क्या हो रहा है। अब जब उस दूध को बॉयल करते हैं हम, बॉयल करने के बाद उसके अंदर से बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, किल हो जाता है, अब वो सेफ है ड्रिंक करने के लिए, सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब है जो बाजार के अंदर दूध है पैक्ड, वो सारे सेफ टू ड्रिंक है, पीरियड। और जो आप डेयरी से दूध लाते हो, किसी फार्मर से दूध लाते हो, या दूध वाला आपके घर में डायरेक्ट देता है, तो आपको मालूम है कि आपके मॉम या आपके वाइफ या आपकी दादी नानी, घर के अंदर जो भी लेडी है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, बॉयल करते हैं दूध को। उस दूध को 10, 15, 20 मिनट तक बॉयल किया जाता है स्लो। बॉयल करने के बाद, उबालने के बाद उसको ठंडा करते हैं, फिर फ्रिज में रखते हैं और फिर वो पीते हैं। यू ऑल नो दैट। जी हाँ, इस तो जो बैक्टीरिया उसके अंदर है वो किल हो जाए। तो अगर आप रॉ कच्चे दूध को घर लाकर बॉयल करते हो और बाजार के दूध को आप घर लाते हो, सेम थिंग, दोनों पैस्चराइज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि दोनों बॉयल होकर कूल हो चुके हैं, चाहे बाजार का है वो ऑलरेडी कंपनी ने किया हुआ है, या घर के अंदर जो आपके घर वालों ने किया हुआ है। दैट्स इट। अब वो दूध नॉन फैट है, फुल फैट है, 2% है, 4% है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो कवर की हुई है, इसकी बेनिफिट की बात नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है, इसको पीना चाहिए मैंने कवर किया हुआ है। आज का टॉपिक रॉ और पैस्चराइज का था। तो इसका मतलब है बाजार के अंदर दूध सारे पैस्चराइज होते हैं, जो सेफ होते हैं ड्रिंक करने के लिए। अब कंपनी उसके अंदर मिलावट कर रही है, कुछ गलत चीज ऐड कर रही है, वो मेरा टॉपिक नहीं है, वो तो ब्रांड को पकड़कर देखना पड़ेगा, लैब देखनी पड़ेगी, टेस्ट करना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या गलत ऐड किया हुआ है। इस तरह से वीडियो बनाने बताने से कुछ नहीं पता चलेगा आपको, अंडर अनलेस यू टैप फ्यू ब्रांड एंड चेक इट आउट। बात समझा? लेकिन जो आपके घर के अंदर दूध आता है, मेक श्योर आप बॉयल करें। आजकल इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, पुराना टाइम बहुत अलग था, बहुत लोग इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग थे। हमारे अगर फादर जब यंग थे, हमारे ग्रैंड फादर जब यंग थे, उस समय इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी, लोगों की इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, बीमारियां उतनी नहीं थी, और हवा तक साफ था, पानी साफ था, हवा साफ थी, एटसेट्रा, पोल्यूशन, गाड़ी, ये वो, ऐसा कुछ नहीं था अभी। तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी, कच्चा दूध लोग पीते रहे, आपको मालूम डायरेक्ट भैंस से पीते रहे हैं, बहुत लोगों को पचता है, कहीं को नहीं पचता। सो एंड ऑफ द वीडियो इज सिंपल, जो पैक्ड दूध है, अब ये दूध पैक है कि रॉ है आप बता नहीं सकते, ये कोई भी बता सकता आप, बिकॉज जब उसको आप बॉयल करते हो, ना तो उसका कलर चेंज होता है, ना उसके अंदर से कोई न्यूट्रंट बर्न होता है। कच्चे दूध के अंदर और पैक्ड दूध, पैस्चराइज्ड दूध के अंदर सेम न्यूट्रंट्स होते हैं, कोई भी न्यूट्रंट बर्न नहीं होता, कोई भी न्यूट्रंट उसके अंदर से नहीं निकालता, ना प्रोटीन, ना ही विटामिंस, मिनरल्स, एटसेट्रा। लेकिन जब कंपनी पैक करती है, तो वहां पर एक ऑप्शन आपको आ जाती है, इन टर्म जो आप घर पर नहीं कर सकते हैं, एक तो दूध के अंदर से पूरी फैट निकालनी, दूसरी दूध के अंदर से लैक्टोज निकालना, मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिनको दूध नहीं पचता। तो ये दो चीजें आपको वहां पर, जो घर में नहीं प्रोसेस आपका होता, आप घर के अंदर मलाई निकाल सकते हैं, उसको लो फैट बना सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट गो फॉर 100% फैट फ्री, बिकॉज दैट्स वेयर द अंडर गोज फर्दर प्रोडक्शन। और दूध और वे प्रोटीन भी दूध से बनता है, तो दूध हर कोई यूज कर रहा है। टेक केयर, लव यू ऑल।